उस अच्छे दिन के झांसे में आकर दुनिया को पागल बनाकर जो अर्थव्यवस्था चल रही थी उसके टायर में गोली मारकर पंचर कर दिया है। नरेंद्र मोदी को भेजेंगे, चूड़ी का अमित शाह को भेजेंगे कि आप पहनेंगी उन चूड़ियों को। ये जनता आपसे सवाल पूछती है इस बात का। हिंदुस्तान गरीबी रेखा में सबसे नीचे चला गया है जी। तो ये बताइए ये होगा क्या इस देश का? महंगाई है जो रिकॉर्ड तोड़ स्तर को अपना पार कर चुकी है, लगातार चीजें महंगी होती जा रही हैं, ऐसे में जनता कैसे अपना निर्वहन करें? सबसे पहले जो भी भाई आपके चैनल को देख रहे हैं उनको मैं नमस्ते करना चाहता हूं। जी मेरा नाम किशन नंबरदार, मैं मथुरा का रहने वाला हूं। जी देखिए हमारा ये जो किसान आंदोलन है इसको आज 12वें महीने में चल रहा है और ये सरकार ऐसी है किसे ना किसी महंगाई की चिंता, ना भुखमरी की चिंता, ना बेरोजगारी की चिंता। ये देश के नागरिकों को ऐसा करना चाहती है कि जो पूंजीपतियों के यहाँ लेन लगाकर खड़े रहें उन कंपनी वालों के यहाँ और थोड़े थोड़े पैसे में उनको आदमी मिल जाए। आज देखिए ये जिस दिन कांग्रेस की सरकार थी, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, 10 साल तक इन्होंने एक ऐसा वन के तो गूंगा प्रधानमंत्री है, बोलता ही नहीं, फलान और ढेंक, और महंगाई कितनी डबल हो गई है। 50 रुपए डीजल था जब जी। आज डीजल 100 रुपए का 98 रुपए लीटर हो गया है दिल्ली में, मैंने कल अखबार में 98 से भी ऊपर चला गया। आज कहां से होगा? इन्होंने कहा अगर हमको लाइए तो हम डीजल 35 कर देंगे। अब 35 की बजाय आपने तो कितना गुना दुगने दामों में पहुंचा दिया है। तो हर नजदीक है, यहाँ पर लोग परेशान हैं, किस प्रकार जनता अपना निर्वहन करे? तो हर तो छोड़िए, लोग अब जिए कैसे? भाई मैं एक बात कहना चाहता हूँ जी, त्योहारों को देखिए, नमक रोटी खाएगी दुनिया, इन्होंने ऐसी हालत कर दी है। इन्हीं जो हमारी अर्थव्यवस्था थी मनमोहन सिंह के राज में जो चल रही थी उन उसको अच्छे दिन आएंगे, टीवी और चैनलों पर अखबारों में निकालते थे। उस अच्छे दिन के झांसे में आकर दुनिया को पागल बनाकर जो अर्थव्यवस्था चल रही थी उसके टायर में गोली मारकर पंचर कर दिया है। आज अर्थव्यवस्था रुकी हुई खड़ी है और जनता परेशान है, कोई सुनने को तैयार नहीं। जो थाने तहसीलों में 50 रुपए में काम होता था 100 रुपए में वहां 1000 रुपए चाहिए, आज दर दर की ठोकर खा रही है। मैं आपसे समझना चाहूंगा, हम 2014 के तरफ अगर जाते हैं तो वहां पर ये सरकार के जो मंत्री थे ये सड़क पे आ जाते हैं, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को चूड़ी भेजने का काम करती है स्मृति ईरानी जी। महंगाई के इस दौर में जब आदमी त्रस्त है, आदमी परेशान है, वो लोग कहाँ गायब हो गए? वो अब स्मृति ईरानी को सिलेंडर कंधा पे रखकर जी, ये जो 2000 रुपए का बड़ा, 2045 रुपए का जो बड़ा सिलेंडर है जी, और ये 1100 का ये हो गया है, उनको अब नहीं दिखता। अब किसको? नरेंद्र मोदी को भेजेंगे, चूड़ी का अमित शाह को भेजेंगे कि आप पहनेंगी उन चूड़ियों को। ये जनता आपसे सवाल पूछती है इस बात का। आपने जो देश के साथ में धोखा किया है, जालसाजी की है, ये आपको भुगतना पड़ेगा। आज जनता इतनी तबाह है जो अपने बच्चों को सब्जी रोटी खवाने के भी उनको लाले पड़ गए हैं, और तो अच्छा खाना तो आए कहां से, सब्जी भी नसीब नहीं हो पा रही है। क्यों? क्या आज टमाटर का भाव देके 80 रुपए किलो बता रहे हैं जी, प्याज का दाम भी वो तो अब थोड़ा बहुत घट गया, वो तो पता नहीं 70-80 रुपए किलो प्याज है, आलू के दाम कहूं से कहूं पहुंच जाएंगे। क्यों? कि ये पूंजीपति और सेठों की सरकार है, इसे जो गरीब जनता है, आम जनता है, उससे कोई मतलब नहीं। पहले कांग्रेसी सरकार में जो ये गेहूं वितरण होता था, जो गरीबी रेखा से नीचे थे 24 करोड़ आदमी थे, आज 84 करोड़ हो गए हैं। बताइए ये गरीबी तो अपने आप, हिंदुस्तान गरीबी रेखा में सबसे नीचे चला गया है जी। तो ये बताइए ये होगा क्या इस देश का? तो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और हाँ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि देश विदेश से जुड़ी खबरें आप मिस ना करें, क्योंकि कोरोना काल में 2 गज दूरी मास्क है जरूरी। नमस्कार।